अग्निवीर की भर्ती के लिए आर्मी ने चुना राजीव गांधी स्टेडियम बवाना दिल्ली। अग्निवीर के लिए ऑनलाइन भरे गए थे फॉर्म, अब किया जा रहा है चयन ऑफलाइन बवाना राजीव गांधी स्टेडियम में। नहीं मिल रही पूर्ण जानकारी। जवानों के लिए रखा गया था रात 1 बजे का समय, युवा पहुंच रहे हैं दिन के 1 बजे। अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देने से किया इनकार। देखे पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट एफ एंड रोहतास सिंह योगी, आज आपका लेकर आप बवाना। और आज हम मौजूद हैं इस समय राजीव गांधी स्टेडियम के सामने, और यहाँ पर जो भर्ती चल रही है वो अग्निवीर की चल रही है, और ये वो भर्ती है जो ऑनलाइन बच्चों ने जिन्होंने यहाँ अपने एडमिशन कराए थे उनकी सबकी यहाँ भर्ती चल रही है। और जानते हैं यहाँ कुछ बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने बेटा इधर आना। क्या नाम आपका जवान? साहिल। साहिल कहाँ से आए हैं आप? मैं बकरीब से। तो आपने पहले एडमिशन कराया हुआ है ऑनलाइन, और आप ऐसे ही आ गए? हाँ ऐसे ही आ गए। तो आपको जानकारी नहीं है इस चीज़ की? नो सर, ऐसे पता करने आए थे। क्या कि क्या हो रहा है, क्या क्या तो फ्रेंड के साथ आए थे। अच्छा, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चों को जानकारी भी नहीं इस तरह की कि क्या कुछ है क्या नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ऑन द स्पॉट ही यहाँ पर भर्ती चल रही है। और अंदर से जिस तरह की जानकारी हमें मिली है वो अधिकारियों ने ये दी है कि जो जिन बच्चों ने ऑनलाइन पहले एडमिशन कराया हुआ है सिर्फ उन बच्चों की जो है भर्ती की जा रही है। तो आप देख सकते हैं, जैसे अब मैं कहूँगा जरा इधर दिखाएं, ये बच्चे देखिए, अब ये इस तरह से जो है क्या यहाँ पर आ रहे हैं, अपना जो स्कूल का समय है उसे छोड़कर आ रहे हैं। और इस तरह से अगर कोई भी आ रहा है तो कृपया करके वो यहाँ तक पहुँचने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं जो है बच्चों को लिया जा रहा है, उन्हीं स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है जो ऑनलाइन जो है पहले कर चुके हैं। एक मिनट, आप आएंगे? क्या नाम आपका? अंशु। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। आप किस लिए आए थे यहाँ पे? आर्मी भर्ती के लिए। तो आपने पहले एडमिशन किया ऑनलाइन या नहीं? ऑनलाइन। ऑनलाइन किया आपने, तो कैसे क्या बताया भाई आपको? कुछ नहीं बताया गया। कुछ नहीं बताया। तो क्या टाइमिंग क्या दी गई है? रात को 1 बजे। रात को 1 बजे? रात को 1 बजे या दोपहर के बाद 1 बजे? नहीं नहीं, रात को 1 बजे। अच्छा, रात को 1 बजे जो है कि फिर तब तक कहाँ रहेंगे आप? अब वापसी जा रहे हैं। तो वापसी बाद में आएंगे। तो जिस तरह देख रहे हैं कि कुछ अधूरी जानकारियाँ यहाँ दी जा रही है, तो ये जो है ना क्या नाम, मैं कहूँगा कि यहाँ जो अधिकारी जो भी है उनसे के इस चीज़ की जो जानकारी वो कृपया करके हमारे चैनल के माध्यम से वो जानकारी देने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जिस तरह से बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि दोपहर को 1 बजे, और अभी जो स्टूडेंट्स को मिला है जिसने ऑनलाइन अपना एडमिशन कराया हुआ है उसका ये कहना है कि यहाँ पर जो रात को 1 बजे। तो ये कुछ ना कुछ असमंजस की जो है जो कहानी है उसको जो है दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह से बच्चे आ रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं देश के लिए कुछ करने की, तो उनको जो है आगे लिया जाए, उनको सही जानकारी दी जाए। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, क्या आपका क्या करना है आप? कुश्ती। कुश्ती, आपको पता कुश्ती होगी आज यहाँ पे? क्या 7 तारीख को है जी। 7 तारीख को? तो आपको जानकारी नहीं है? ये तो दो साल से तो वैसे ही बंद है ना, 2 साल से तो बंद है। और उसके अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर पहले जो है सतपाल पहलवान जी के, जो महाबली सतपाल जी हैं उनके पिताजी के, हर वर्ष यहाँ दंगल हुआ करता था, और ये उसी दंगल के अंदर हिस्सा लेने के लिए यहाँ बच्चे पहुँचे हैं। और इनको जानकारी नहीं है कि आज यहाँ दंगल नहीं है, लेकिन ये फिर भी अपना घर से निकल कर आ गए, क्योंकि ये पहलवान है। कौन से खाड़े से हो आप? राठी से। खाड़ा राकेश नांगल से। ये नांगल से बच्चा आया है राकेश अखाड़े से, जबकि उसको जो है चाहिए था कि उसके अखाड़े के जो संचालक हैं उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी कि आज वहाँ पर जाना ठीक नहीं है, और क्योंकि आज दंगल नहीं है। और सतपाल जी की तरफ से भी इस चीज़ की जानकारी अगर सभी को दे दी जाती तो शायद ये बच्चे आज यहाँ नहीं पहुँचते, क्योंकि हर वर्ष यहाँ पर भारत पाकिस्तान से भी यहाँ पहलवान लड़ने के लिए आते थे, और यहाँ पर चौधरी हुकम सिंह जी का हर वर्ष उनकी स्मृति में जो है यहाँ दंगल हुआ करता था, लेकिन आज वो दंगल नहीं है। आज 7 सितंबर है, और मैं कहूँगा देखे कैमरा मैन जरा आगे इधर दिखाएं, और कुछ स्टूडेंट से भी जो है और भी कुछ जो है भर्ती होने के लिए आए हैं, कुछ उधर दीवारों पर बैठे हुए हैं पीछे, वो भी जो है इसी उसके लिए आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो जितने भी यहाँ पर जो जानकारी अगर दी जा रही है तो पूरी तरह प्रॉपर तरीके से यहाँ दी जाए। अभी जानते हैं जो क्या कुछ जानकारी लेकर आए हैं। नाम क्या है आपका? वरुण। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। तो क्या जानकारी मिल रही है? वो बोल रहे हैं कि 7 तारीख वालों का हो गया, 8 वालों का होगा। तो कितने बजे थे, टाइमिंग क्या दी गई है? 1 AM रात के।
रात को एक बजे तो अभी पता नहीं था आपको, मालूम नहीं था? नहीं। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि रात को एक बजे जो है क्या नाम यहाँ पे अंदर एंट्री की जा रही है, तो अब ये इनका जो आज का टाइमिंग निकल चुका है कि 7 तारीख का, तो आप क्या करेंगे, 8 तारीख को आएंगे आप? नहीं, हमारा टाइमिंग खत्म हो गई। अब ये है कि पूरी जानकारी नहीं थी और इसीलिए अब ये आए थे दिन के एक बजे की टाइमिंग लेकर। और पहले जो भी जिन भी वीरों ने इस अग्निवीर के अंदर जो है आप लोगों ने ऑनलाइन फार्म भेजा था, कैसे क्या किया? ऑनलाइन करा था सर। तो आपको जानकारी पूरी नहीं दी गई? नहीं, हमें लगा कि कुछ टेक्निकल इशू है उसमें, तो AM डाल दिया। वैसे रात को कौन आता है तो PM ही समझ के हम आए थे। अच्छा, तो प्रॉपर जानकारी नहीं थी। तो जिस तरह से ये जानकारी जो है, जैसे अब कहा है कि ऑनलाइन की, इस तरह से थोड़ी सी जो है जानकारी कम मिली थी और वह जानकारी कम मिलने की वजह से आज ये परेशान है। और इन्होंने कोशिश की थी लेकिन आज अब निराशा ही हाथ लग रही है इनको। और 8 तारीख का अब, क्योंकि 7 तारीख की जितनी भर्ती थी वो हो चुकी है, अब 8 तारीख की जो भर्ती ली जाएगी। नहीं, अब 8 तारीख की ली जाएगी। एडमिट कार्ड में जो डेट है उसी दिन, आज आपकी 7 तारीख का दिन, तो अब आपकी 7 तारीख की निकल चुकी है। हाँ, निकल गई। अब जो 8 वाली के वो उनका होगा, वो आज रात को 8 बजे जो है उन्हीं की होगी, का जो टाइमिंग होगा उसे AM उनका रात में आएगा होगा। तो ये है हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि टैलेंट ऑफ इंडिया जब भी कोई ऐसी बातें होती है तो बिल्कुल सामने मौके पर जाकर चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता है। और जो जितने भी अग्निवीर इस भर्ती के अंदर आ रहे हैं और जो जिन युवाओं ने इसमें आने की इच्छा जाहिर की है, तो कृपया करके अच्छी तरह से अपने डेट देख लें। और वो जो डेट होगी वो रात को 1 बजे यानी 12 बजे के बाद वो स्टार्टिंग हो जाएगी, यानी आपको यहाँ पर 12 बजे पहुँच जाना है, यहाँ बवाना स्टेडियम के सामने 12 बजे तक पहुँच जाए, नहीं तो उसके बाद आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो ये है यहाँ की जो जितनी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए आप, अगर आपने अग्निवीर के अंदर आपने अपना भाग्य आजमाना है और देश की सेवा करने, उसके साथ साथ में अपना भविष्य भी बनाना है, तो कृपया करके वो 12 बजे से पहले पहुँचे, क्योंकि अब 7 तारीख का जो था, आज 7 तारीख का समाप्त हो चुका है, अब 8 तारीख के उसमें आना होगा अब आपको। तो 8 तारीख की आज रात को, 7 तारीख को जो है 12 बजे से पहले आइए और 12 बजे 1 बजे जो है यहाँ पे आपकी जो है 8 तारीख की एंट्री होगी। चलिए, बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया।